Good morning students. Today my topic is on exponents and powers. Question number 1, exercise 13.2. Point 2, question number 1, part 5. Using law of exponent, simplify and write the answers in exponential form. ये पता ही है, मैंने आपको 4 पार्ट इसके करवाए हैं, आप 5th पार्ट है, आपको पता ही है इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है और जो इसका आंसर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमने निकालना है. यहाँ पे 5 रेज पावर 2 रेज पावर 3 डिवाइड बाय 5 रेज पावर 3. अब यहाँ पे जो है 5 का स्क्वायर रेज पावर 3, इसके लिए जो है एक फार्मूला है, एक लॉ है इसके लिए, a रेज पावर m रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर एम इंटू एन. ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. जब भी 5 जैसे है, यहाँ पे 5 का रेज पावर है और उसका भी रेज पावर 3 है, इसलिए इसके लिए फार्मूला हमने यहाँ पे लिखी, ए रेज पावर एम रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एम इंटू एन, एम इंटू एन के बराबर होती है. अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. 5 रेज पावर 2 इंटू 3, 2 m क्या है 2, n क्या है 3, 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 रेज पावर 3, ऐसे ही रहेगा. 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई 3, 5 रेज पावर 6 डिवाइड बाय 5 रेज पावर 3. अब इसके लिए भी एक फार्मूला है, यहाँ पे ये डिवाइड है ना, इसके लिए भी एक फार्मूला है, वो है a रेज पावर m डिवाइड बाय a रेज पावर n, वो किसके बराबर होता है, a रेज पावर m माइनस n के बराबर. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 5 रेज पावर 6 जो है वो किसके बराबर होगा, 5 रेज पावर 6 डिवाइड बाय 5 रेज पावर 3 किसके बराबर होगा, ये होगा 5 रेज पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज पावर 3 आंसर इसका निकला, क्योंकि 6 में से 3 काटे 3 रहे.